morning students. Today we are going to discuss question answer of poem Amanda. First question is, how old do you think Amanda is? आप क्या सोचते हैं कि जो Amanda है वो कितने साल की है? How do you know this? और आप ये कैसे जानते हैं? I think Amanda is a teenager. That is around 12 or 13. She has acne in her face. मैं ये सोचता हूँ कि जो Amanda है वो एक teenager है 12 और 13 years में और उसके फेस पर एक्न है जो मुहासे होते हैं. यूजुअली बॉयज़ और गर्ल्स एट दिस एज हैव देम ऑन देयर फेसेस, जो कि इस एज के अंदर जैसे उनके फेस पर हो जाते हैं इसीलिए. सेकंड क्वेश्चन इज, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आप क्या सोचते हो कि उसके साथ कौन बात कर रहा है? आंसर इज, इट इज़ आइदर हर मदर और फादर. या तो उसके मदर हैं या उसके पापा हैं वन स्पीकिंग टू हर, जो उसके साथ बात कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कुड Amanda डू इफ शी वर ए मैरमेड? व्हाट कुड Amanda डू, क्या Amanda जो है वो क्या करती अगर वो एक मैरमेड होती, अगर वो एक जीव होती? इफ शी वर ए मैरमेड, Amanda कुड मूव अबाउट इन द ग्रीन सी ब्लेसफुली. अगर वो एक पानी के अंदर रहने वाला एक जीव होती तो वो खुशी से उस ग्रीन सी के अंदर तैरती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Amanda एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? जो Amanda है क्या वो एक ऑर्फन यानी कि अनाथ है, वो ऐसा क्यों कहती है? आंसर इज नो, Amanda इज नॉट एन ऑर्फन वेंडरिंग इन द स्ट्रीट. जो Amanda है वो एक ऑर्फन नहीं है जो कोई गलियों में घूमते रहते हैं. इट इज़ क्लियर इन स्टेंजा 4. शी सेज सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू हैव फ्रीडम. वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो आज़ादी चाहती है. विच परहैप्स शी डज नॉट हैव बीइंग ए पेरेंटल चाइल्ड, क्योंकि जो आज़ादी वो चाहती है वो आज़ादी उसे एक पेरेंटल चाइल्ड होकर नहीं मिल सकती. क्योंकि जहाँ पर पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को ये भी कहते हैं कि आप ये काम मत करो, जो काम उनके लिए सही नहीं है उनके लिए वो टोकते हैं. लेकिन जो ऑफन चाइल्ड होते हैं उनको कोई नहीं रोकता टोकता. इसीलिए यहाँ पर जो Amanda है वो ये चाहती है कि काश वो एक ऑफन होती लेकिन वो एक पेरेंटल चाइल्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो द स्टोरी ऑफ Rapunzel? क्या आप Rapunzel की कहानी को जानते हैं? वाई डज शी वॉन्ट टू बी Rapunzel? यहाँ पर जो Amanda है वो Rapunzel क्यों बनना चाहती है? और Rapunzel इज़ द हीरोइन ऑफ ए फेयरी स्टोरी. जो परियों की कहानी है उसके अंदर जो Rapunzel है वो एक हीरोइन है. शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल विद लॉन्ग हेयर. उसके बहुत सुंदर और लंबे बाल हैं. शी इज़ इम्प्रेस्ड इन अ टॉल टावर बाय ए विच, जिसको कि शी इज़ इम्प्रिजन्ड जिसको कि एक लंबे टावर के अंदर एक विच जो एक बुरी आत्मा चुड़ैल थी उसने उसको कैद कर लिया था. इन द स्टोरी ए हैंडसम प्रिंस कम एंड ही इज एबल टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द टावर टू मीट हर. इस स्टोरी के अंदर एक हैंडसम प्रिंस जो होता है वो उसके पास उस टावर में आता है टॉप पर बिल्कुल उसको मिलने के लिए. ही कॉल्स आउट टू हर Rapunzel, Rapunzel, जो कि उसके बाहर से बुलाता है उसका नाम लेके. लेट डाउन योर लॉन्ग हेयर, जहाँ पर जो प्रिंस है वो उसका नाम लेके उसे बुलाता है कि Rapunzel, Rapunzel अपने लंबे बालों को नीचे गैर दो. Amanda wants to be Rapunzel because then she will have long hair. जो Amanda है वो ये चाहती है कि वो भी Rapunzel बने, क्योंकि जब वो Rapunzel बनेंगी तो उसके भी लंबे बाल होंगे. एंड हर प्रिंस चार्मिंग विल कम टू रेस्क्यू हर फ्रॉम हर डल लाइफ, क्योंकि वो ये चाहती है कि जब वो Rapunzel बनेंगी तो उसका जो चार्मिंग प्रिंस होगा वो भी उसकी लाइफ में आएगा और उसकी डल लाइफ को वो बेहतर बनाएगा.